नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उपचुनाव में मिली हार को लेकर 22 नवंबर से पहले बीजेपी करेगी मंथन। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को संदेश, आमजन के विश्वास का बनना होगा सेतु। हिमाचल में प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे शिक्षकों के 1300 पद। 2 साल बाद तीसरी और पांचवी के विद्यार्थी आएंगे स्कूल, सरकार ने की तैयारी। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में युवाओं को मैदान में मिलेगा मास्क और खाने पीने का सामान। ऊना पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, पशुशाला में बरामद किया चूरा पोस्त और बीज। किन्नौर के ग्याबुंग में बेकाबू लपटों का तांडव, मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। आज सुबह जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इसे लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मिली हार पर आगामी 22 नवंबर से पहले मंथन किया जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं की बात पर टाल मटोल कर गए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हार के कारणों पर विचार किया जाएगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। खुद बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के कार्यकाल की ये पहली बैठक है। बैठक में पीएम मोदी ने बहुत संक्षिप्त और भावनात्मक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संगठन में सेवा भावना से काम करने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सहजता ही जीवन है, सभी नेता सहज रहें। साथ ही कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना होगा। साथ ही उन्होंने सेवा और संकल्प के आधार पर और पार्टी की परंपरा के आधार पर आगे बढ़ने को कहा। हिमाचल प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के सरकारी स्कूलों में सीधी भर्ती से शिक्षकों के करीब 1300 पद भरे जाएंगे। चुनाव आचार संहिता हटते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लिखित परीक्षा लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पद भरने की संस्तुति भेज दी है। आयोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। सीधी भर्ती के तहत JBT, TGT, नॉन मेडिकल, शास्त्री, शारीरिक और कला शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। बता दें कि कुछ माह पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरने का फैसला लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 2640 पद आवंटित किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 सालों से घर बैठे तीसरी और पांचवी कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाने का फैसला किया गया है। हालांकि इन छात्रों को अभी सिर्फ 2 ही दिन के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। 12 नवंबर को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए इन बच्चों को स्कूल बुलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कल यानी सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर चर्चा की जाएगी और फिर इस फैसले पर अंतिम मोहर भी लगाई जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 11 नवंबर यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे से 1 दिन पहले बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा ताकि इन्हें परीक्षा की तैयारी करवाई जा सके। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 1324 पदों पर 9 नवंबर से शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में आए युवाओं को पहली बार मैदान में खाना पीना भी मिलेगा।
हर प्रतिभागी को 2 मास्क व सैनिटाइजर के साथ जूस, पानी और फल दिए जाएंगे। युवाओं को गेट पर पहुंचते ही ये सारी सामग्री दे दी जाएगी। हिमाचल पुलिस ने पहली बार इस तरह की पहल की है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग ने इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। ये पहला मौका है जब युवाओं को मैदान में फल, पानी और जूस मुहैया करवाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में 1324 पदों के लिए 9 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पुलिस भर्ती में 187,474 युवाओं ने आवेदन किए हैं। पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने हरोली थाना क्षेत्र में गांव कांटे में एक पशुशाला में छिपा कर रखी गई नशे की खेप को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि थाना हरोली के तहत कांटे में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पशुशाला से नशे की खेप बरामद की है। पुलिस ने पशुशाला में बोरे में छिपा कर रखी 41 किलो 780 ग्राम चूरा पोस्त व ड्रम में छुपा रखी 182 किलो 120 ग्राम चूरा पोस्त के बीज को बरामद किया है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में हरजीत सिंह निवासी कांटे को मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मामले की पुष्टि ऊना DSP कुलविंदर सिंह ने की है। किन्नौर जिला के ग्याबुंग में 3 मंजिला मकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। घटना के समय स्टोर में सेब की खाली पेटियों सहित रबड़ के पाइप व अन्य कई तरह का सामान रखा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी मोहन नेगी ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने पूह थाना व रिकोंगपियो अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन की टीम घटना स्थल पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास करने लगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।